पीटीआई का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि सजाए मौत भी देते तो हम तैयार थे, हाईकोर्ट से फैसला ख़त्म करवा देंगे, हमें अदलिया पर एतमाद है, 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गईं, ये मिसट्रायल है, आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अलीम खान ने अपील की कि अवाम 8 फरवरी को बानी पीटीआई को वोट दें। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर गौर, आम इंतखाबात से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का इम्कान, आज इजलास तलब कर लिया। हम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह अदालतें हमें रिलीफ देंगी, इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। मुश्तैल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि की तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस रखो करो, इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। 8 फरवरी को सारा फोकस होना चाहिए 8 फरवरी, और अपना वोट सब जाके डालें, और इससे बेहतर इंतकाम कोई नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।